बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने किसी तीसरे मोर्चे और किसी के साथ गठबंधन करने के अटकलों पर भी विराम लगा दिया है। दरअसल INDIA से करीबी बढ़ने की चर्चाएं चल रही थी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बड़ा ऐलान कर दिया है। पोस्ट में उन्होंने अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बताते चले कि मायावती ने लिखा कि BSP देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना ये घोर फेक और गलत न्यूज़ है। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता ना खोए, लोग भी सावधान रहें। खासकर यूपी में BSP की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं। इसलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, किंतु बहुजन समाज के हित में BSP का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। बताते चले कि मायावती इसके पहले भी कई बार लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी तरह के गठबंधन में शामिल होने से इनकार करती रही हैं। उन्होंने चुनाव के लिए अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं की है, जिसके कारण उनके इंडिया गठबंधन में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया कि बसपा अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने किसी तीसरे मोर्चे और किसी के साथ गठबंधन करने की अटकलों पर भी विराम लगा दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। मायावती के ऐलान से पहले कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि बसपा इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती है, लेकिन मायावती के इस पोस्ट के बाद सारी अटकलों पर विराम लग चुका है। वहीं कुछ लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे थे कि यूपी में तीसरा मोर्चा भी तैयार हो सकता है। हालांकि मायावती के ऐलान के बाद ये सभी अटकलें खारिज हो गई हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, खासकर यूपी में BSP की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं। इसलिए आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास भी करते रहते हैं, किंतु बहुजन समाज के हित में BSP का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। बताते चले कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि BSP देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। उन्होंने तीसरा मोर्चा बनाने की अटकलों को अफवाह और घोर फर्जी खबर बताई है। बीते लोकसभा चुनाव में BSP ने 22% वोट हासिल किए थे। बताते चले कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।